बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट से डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे अपनी मास्टर शीट के अंदर, और उसमें से ईच एम्प्लॉय का और ईच प्रोडक्ट का रिकॉर्ड देखना है हमें, जो सेल्स की गई है और इस बग़ैर सिलेक्ट किए हुए, यानी हर शीट में जाकर अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो बग़ैर हर शीट में जाकर सिलेक्ट किए हुए ये रिपोर्ट किस तरह से बनेगी, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा मैं, तो एडवांस में लाइक कर दें जो फर्स्ट देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले देख लें है क्या और फिर किस तरह से ये रिपोर्ट तैयार होगी, आज मैं कौन से फार्मूले इसमें यूज़ करेंगे वो सब मैं बताऊँगा किस टेक्निक के साथ। अब डेटा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखी हुई, कॉलम कोई भी हो सकते हैं, टारगेट आप जिस चीज़ को रख रहे हैं वो आप उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सिटी के हिसाब से रिकॉर्ड है, ठीक है जी। अब मेरे पास मान लीजिए तीन शीट्स हैं, ये रिकॉर्ड मंथ के हिसाब से भी हो सकता है, डे के हिसाब से भी, एम्प्लॉय के हिसाब से भी, उसमें ये सारे फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी नीड, जैसे आपको नीड होगी उस हिसाब से आप डेटा को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जैसे हमारे पास बहुत सारी शीट्स आ रही हैं और हर शीट्स का टोटल हमें इस तरह से कॉलम में हेडिंग दी हुई है शीट्स की, और उसके साथ कराची की उस एम्प्लॉय का टोटल आ जाए, फिर इस सिटी का, फिर उस एम्प्लॉय ने उस सिटी में क्या सेल करी, फिर उस एम्प्लॉय का इस सिटी का क्या सेल रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल एक फार्मूले से ये सारा काम मैंने किया हुआ और ड्रैग किया हुआ है और उसके अंदर थोड़ी चेंजेस करी हुई है, तो ये मैं बताऊँगा। उसके अलावा अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इस शीट पे देख लें, डेटा हमारे पास सिंपल तीन कॉलम है और मज़ीद कॉलम भी हो सकते हैं, मेरा काम इससे सॉल्व हो रहा था तो मैंने इतने ही कॉलम बनाए, एक नेम एम्प्लॉई, एक प्रोडक्ट नेम है और एक सेल्स, और यहाँ पर हमारे पास हर शीट में यानी इसी तरह का डेटा है, ठीक है जी, एम्प्लॉई नेम और सेल्स और प्रोडक्ट्स। अब यहाँ जो रिपोर्ट हमने पहले चेक करी है वो एम्प्लॉई नेम के हिसाब से हर शीट का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, और उसके अलावा अगर हमें उस एम्प्लॉय की कौन सी प्रोडक्ट्स की कितनी सेल्स है, तो ये हम ड्रॉप डाउन से इसका नाम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका जिस एम्प्लॉय ने जिस प्रोडक्ट की जो सेल करी है उस सिटी की, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, यानी ओवरऑल सेल्स। और ओवरऑल सेल्स के अलावा कोई अगर हमें ईच प्रोडक्ट के हिसाब से उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और हर शीट से डेटा आउट कर यहाँ पर आ रहा है। तो ये सब किस तरह से होगा ये देखने को मिलने वाला है, तो सही है। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और आज के इस टॉपिक में जो फार्मूले मैंने यूज़ किए हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ और फिर ज़ीरो से आपको बताऊँगा स्टार्ट, ठीक है जी। ड्रॉप डाउन के लिए आप किसी भी सेल में जहाँ ड्रॉप डाउन बनानी है डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन क्लिक करें, और यहाँ पर हमारे पास सारा लिस्ट, लिस्ट में जाके जहाँ आपके नाम है वो आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन बनकर आ जाएगी, कोई स्टेप नहीं रहे तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये ड्रॉप डाउन हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, आपको बताने के लिए मैंने बनाई है ये, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, ये बन गई। और ये नाम मैंने यूनिक लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास सिटी में इनके जितने रिकॉर्ड्स थे हमने सारे वो एंट्री करे हुए हैं अपने पास। अब इसका हमें यहाँ पर रिकॉर्ड उठाना है हर शीट का, तो हम यहाँ पर सिंपल पहले तो सम इफ़ लगाते हैं और रेंज के अंदर जाएंगे, फर्स्ट सिटी का जो रिकॉर्ड है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सिटी कौन सी है ये देख लेते हैं पहले, कराची है, ठीक है जी, तो मसला नहीं है, इसको मैं यहाँ से फर्स्ट पहले यहाँ अरेंज कर लेता हूँ कराची। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं करूँगा सम इफ, रेंज के अंदर जाएंगे कराची सिटी, और इसका जो ऑल एंटायर कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया में वापस जाएंगे अपनी शीट पर, और ये जो फर्स्ट सेल है इसको क्राइटेरिया रखेंगे, ए टू इसका सेल एड्रेस है, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर सम रेंज आ रही है, सम रेंज में जाकर जो उसकी सेल्स है वो सिलेक्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें मल्टीपल जो नाम है डुप्लीकेट उन सबका ईच प्रोडक्ट के हिसाब से जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल आ जाएगा, लेकिन मसला एक शीट का नहीं है, हमें हर शीट का चाहिए। अब यहाँ लाहौर से भी चाहिए, सक्कर से भी चाहिए, मान लीजिए 10 शीट हैं, 10 सिटीज़ हैं या कोई आपकी ब्रांचेज हैं या फिर इस तरह से, तो आपको हर ब्रांच के जो लुकअप करने हैं रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी है हमें। ये जो हमारी सिटी शीट नेम वाला आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है जी, शीट का जो नाम है इसको हमें यहाँ से इसके एलिमिनेशन साइन जो आ रहा है इससे पहले यहाँ से रिमूव कर दें, सिलेक्ट करें बस इसको सिटी के नाम को जो शीट का रिकॉर्ड हुआ हुआ है, इधर हम लगा देंगे इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में जो ये सिटी के नाम हमें जो हमने शीट के हिसाब से सिटी का नाम रखा है इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं इसको कॉनकेटिनेट करूँगा शिफ्ट के साथ 7, और फिर यहाँ पर एंड फंक्शन, और फिर यहाँ पर भी जहाँ रेंज ख़त्म हो रही है इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर भी
ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से ये ऑटोमेटिक जब हम ड्रैग डाउन और राइट करेंगे तो इन सेल्स का रिकॉर्ड ये खुद ब खुद उठा लेगा। तो ये करेक्शन करनी है इसके एलिमिनेशन साइन से पहले, सम इफ सिटी नेम जो शीट का नाम सेम है हमारा वो, और फिर शिफ्ट के साथ सेवन एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा, और जहाँ रेंज की ख़त्म हो रही है कॉलम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हो गया सम इफ, सम इफ, अच्छा मैंने सम इफ लिख दिया, इनडायरेक्ट लिखना है, ठीक है जी। आ गया, अब इसको ड्रैग से पहले ताकि कॉलम राइट जब हम ड्रैग करें तो ये आगे नहीं बढ़े और ये हेडिंग नीचे नहीं है, रो वाइज फिक्स करना है, और इसको कॉलम वाइज नेम को, तो यहाँ बी वन को जो है यहाँ वन से पहले क्लिक और डॉलर साइन लगा दें इसको, ये वाले बी वन से भी पहले डॉलर और ए टू से पहले, ए से पहले डॉलर, यानी अगर हम इसको डाउन करें तो ये सेल नीचे नहीं आए, उसी सिटी के रिकॉर्ड आए शीट के, और जब हम राइट लेके जाएँ तो ये नाम आगे नहीं बढ़े, इसी नाम के हर सिटी के रिकॉर्ड आ जाएँ, तो यहाँ पर कॉलम वाइज फिक्स एंटर, और डाउन के लिए कंट्रोल डी डाउन और कंट्रोल आर फॉर राइट। फर्स्ट रिपोर्ट कराची की टोटल सेल्स का अगर हम चेक कर लें 8195, और यहाँ से मैं इसके एंड में जा रहा हूँ 8195, ठीक है जी, ऑलरेडी टोटल हुआ हुआ है, एक मसला हल हो गया। दूसरा मसला, मुझे ड्रॉप डाउन से जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसने ईच प्रोडक्ट्स की क्या सेल करी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया होगा, यहाँ सिंपल क्राइटेरिया, जब एक क्राइटेरिया था तो सम इफ, और जब मल्टीपल क्राइटेरिया को देखना होता है तो फिर हम लगाते हैं सम इफ्स। इसमें हमें क्या करना है, सम रेंज, सिटी कराची ही सिलेक्ट करेंगे, सम रेंज में इसमें पहले आ जाती है सेल्स, यानी जो भी नंबर वाली कॉलम होगा नंबर वो सिलेक्ट, और फिर उसके बाद सम रेंज के बाद आता है इसमें क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज वन के अंदर ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, जो हमारे एम्प्लॉयज़ नेम है उसको सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है इसका, तो फिर हम शीट पर जाएंगे अपनी, और ये सेल जो है क्राइटेरिया है, यानी उन एम्प्लॉय नेम के अंदर इस एम्प्लॉय नेम को देखना है, और इसको हमें F4 करना है वन टाइम, और इसको अभी करेक्शन करेंगे चेंज करना है वो मैं बताऊँगा, अभी पहले फार्मूला कम्प्लीट कर लेते हैं। ये हो गया क्राइटेरिया वन, अब आएगा क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू हमें प्रोडक्ट्स को देखना है, तो कोमा के बाद जाएंगे वापस सिटी कराची, ऑल इंटायर में हेडिंग के पास से सिलेक्शन बना रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा के बाद आ जाएगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसका क्राइटेरिया जो शीट थ्री में हमारा फर्स्ट नेम है इसको देखना है। अब ये राइट साइड फिल नहीं हो, डाउन साइड फिल हो जाए, तो इसको हम तीन दफ़ा F4 करेंगे कॉलम वाइज फिक्स, यानी इधर से आगे नहीं जाएगी, और यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ कराची है वहाँ वहाँ वही काम करना है जो मैंने सिंपल सम इफ में बताया था वन क्राइटेरिया वाले में, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट, और फिर अब इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, सिटी का नाम, और इसको हम रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे, और रो वाइज एब्सोल्यूट करने के बाद यहाँ पर H1, ठीक है जी, यहाँ से आ जाएगी ये रेंज, यहाँ से आ जाएगी ये रेंज, और यहाँ से आ जाएगा ये, और सिंपल इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है जी, और इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे। सेम इसके अंदर भी यही काम करना है आपको, डिलीट इनडायरेक्ट सिटी, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो इसको हटा दें यहाँ से, और यहाँ H1 से पहले डॉलर, और यहाँ से कॉन्केटिनेट इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड में यहाँ पे भी यही काम करेंगे, इनडायरेक्ट सिटी, और यहाँ से ये जो सेल आ रहा है सिटी इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इसको हटा देंगे, दो दफ़ा F4 कॉन्केटिनेशन के लिए एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बंद, और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर, हो गया जी। ड्रैग कर लेंगे इसको, ड्रैग करने से पहले एब्सोल्यूट देख लेते हैं सही हुआ हुआ सारा, बिल्कुल ठीक है, डाउन और फिर राइट, और इसी तरह आप किसी और एम्प्लॉय को अगर हम चेक करेंगे, अब जैसे कीबोर्ड की इनकी 681 की कराची की सेल है रिचर्ड की, तो यहाँ से हम जाएंगे 684, चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं, तो इसमें हम कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर का यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल,
और यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाएंगे, पहले एम्प्लॉय के नाम को देख लेंगे, रिचर्ड सिलेक्ट अनसेलेक्ट हो जाएगा और फिर रिचर्ड पे चेक लगाएंगे। ये सिर्फ सिंपल में चेक करवाने के लिए स्टेप बता रहा हूँ। और फिर इसके कीबोर्ड में 681 आने चाहिए, सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स वाले को, टोटल करेंगे ऑल्टर इक्वल, ठीक है जी, सही आ गया रिकॉर्ड। और हमें एक ही फार्मूले को हमने लगाया है और उसमें जितनी शीट्स होंगी इस तरह से आपको ड्रैग करना है, खुद ब खुद सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा इस तरह से आसानी के साथ। हर शीट को अलग अलग जाके आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक आज की आप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उस तरह भरपूर लाइक्स भी होने चाहिए। कोई सजेशन की हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।